मेरे को ब्राह्मण होने की सजा दे रहे हो क्या? क्या हमको आदिवासियों होने की दे रहे हो क्या आप? मेरे को ब्राह्मण होने की दे रहे हो? आदिवासियों होने की दे रहे हो? ये वीडियो है सिवनी जिले का, जहां पर कुछ दिनों पहले एक मामले को लेकर भाजपा नेता और आदिवासी पुलिसकर्मी बरकड़े के बीच जोरदार बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस आरक्षक बरकड़े को लाइन हाजिर किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सिवनी में कुछ दिनों से एक पुलिसकर्मी द्वारा और एक विशेष वर्ग द्वारा सोशल मीडिया में थाने में हुई एक बहस की वीडियो जारी किए जा रहे हैं, जिसमें मयूर दुबे नामक युवक, जो कि अपने आप को भाजपा नेता बताता है और किसी मामले के तहत पुलिसकर्मी से बहस करते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार थाने में हो रही बहस इस हद तक के बढ़ जाती है कि एक दूसरे पर जाति और धर्म से संबोधित करते हुए टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। इसको एफआईआर करवाओ, हम करवाएंगे, काम करवाएंगे। आप बात कैसे कर रहे हो? लेकिन किससे बात कर रहे हैं? मेरे से। आप यहाँ पे? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आप बात कैसे कर रहे हो? आपने पूर्व में ही मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किए थे। आप कैसे, आप अभी कैसा व्यवहार कर रहे हो? आप कैसा व्यवहार कर रहे हो अभी मेरे साथ? आप मेरे को ब्राह्मण होने की सजा दे रहे हो क्या? क्या हमको आदिवासियों होने की दे रहे हो क्या? आप मेरे को ब्राह्मण होने की दे रहे हो? आप मेरे को ब्राह्मण हो? क्या कर रहे हो तुम? कई साथियों के साथ, हमारे आरक्षकों के साथ थाने में आके पूर्व में भी इसने ऐसी अभद्र व्यवहार किया है। अपने रसूख का गलत फायदा उठाता है, थाने में आकर मिलने की जिद करता है। हमारे बोलने पर मना करने पर भी वहाँ जो है मिलने की जिद करता है। हमारे अधिकार बदतमीजी करता है, हमारे कहने पर हमारे साथ अनलगन टिप्पणी करता है। इससे पूर्व भी हमारे कई आरक्षकों के साथ उन्हें अनलगन टिप्पणी किया है, अभद्र व्यवहार किया है। आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी भी आरक्षक के साथ हो सकता है। जब पुलिस यहाँ पे सेव नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? इससे पूर्व भी हमारे थाने में उसके ऊपर कई प्रकरण दर्ज हैं दोस्तों। ये उसके रोज नाम से रिपोर्टें हैं जो आके अभद्र व्यवहार किया हुआ है। एक बार MLC भी इसी करवा चुके हैं। इससे पूर्व भी उसकी कई शिकायतें आई थी। इंजीनियर चाय वाले का, चाय सुट्टा बार वाले के वसूलों का वीडियो आया हुआ है दोस्तों। छोटा सा क्लिप ये जो है फेसबुक में डाल के ये भ्रम फैला रहा है कि पुलिस वाले मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जाति संगत बात करने से इसको रोका गया, हमारे आदिवासी समाज के बारे में बोलने लगा। इस चक्कर में दोस्तों वो मोबाइल की भाई वीडियो मत बनाए, मोबाइल उसका हमने हटाया, उसको वो गलत उससे उद्देश्य ले रहा है। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। जय हिंद। सिवनी कोतवाली में हुई आरक्षक बहस के इस वीडियो को सोशल मीडिया में जारी करते हुए आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित समस्त सामाजिक पदाधिकारी ने सिवनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आमंत्रित किया और इस पुलिसकर्मी के पक्ष में बात करते हुए मीडिया से हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। हमारे साथ में विजय उइके जी हैं, जो युवा आदिवासी नेता हैं, जिले जो कि आदिवासी क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है, काफ़ी बहुल्य क्षेत्र है सिवनी। तो मैं जानना चाहूँगा विजय जी, कम शब्दों में क्या है पूरा घटनाक्रम? बहुत बहुत धन्यवाद भाई कावेज भैया। ये चूँकि ये घटना दिनांक 21 तारीख की घटना है, हमारे व्यक्ति के द्वारा एक अभद्र 20 तारीख की घटना है, रात्रि को तकरीबन 10:30-11 बजे हमारे व्यक्ति के साथ पुलिस मुख्यालय में जिला कोतवाली में धनराज वरकड़े को एक वीडियो के माध्यम से हमको ज्ञात हुआ कि हमारे व्यक्ति के साथ ऐसी निंदनीय घटना मयूर दुबे नामक व्यक्ति के साथ 4-5 अपने साथियों के साथ ये थाना परिसर में गए और वहाँ पर ऑन ड्यूटी धनराज वरकड़े को जाति सूचक शब्दों से भी उन्होंने जो बात कही, जो सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ, उसको मैंने अपनी आईडी से भी मैंने उसको डाला धनराज वरकड़े के पक्ष में। साथ में वहाँ पे मौजूदा जो पुलिसकर्मी थे वहाँ पे ASI और भी हेड कांस्टेबल और भी आरक्षक जिनके साथ उसने अभद्रता किया, लेकिन उन पूरे मामले में हमारे धनराज वरकड़े के साथ जो घटना हुई और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी ने जो
जो उनके साथ जो एक पक्षी कार्रवाई की उसके लिए समस्त समाज के तरफ से हम उसका एक विरोध करते हैं कि हमारे व्यक्ति की बात माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी आपने सुने सोशल मीडिया के माध्यम से, जो उसने अभद्र टिप्पणी करे उसमें आपने क्यों नहीं फेस करे। एक पुलिसकर्मी के साथ जब इतनी बड़ी घटना पुलिस मुख्यालय में हो सकती है तो आम जनमानस और यहाँ के सिवनी के नागरिकों का जीवन कैसे होगा। इस तरीके से जो लोग इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिनका हमने बार बार हमारे संगठनों की तरफ से नाम लिया जा रहा है, वो भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, ऐसे व्यक्ति को सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत से तुरंत हम ये चाहते हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि उसके साथ धनराज वरकड़े के साथ आप न्याय करें। और जो मयूर दुबे नामक व्यक्ति है जिसके ऊपर बहुत से ऐसे केस हैं, तकरीबन 10 केस हैं जो सिवनी में ऐसे व्यक्ति के साथ जो पुलिस मुख्यालय में उसने जो ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है, अगर उस दिन अगर किसी प्रकार की कोई थाने परिसर में किसी प्रकार की कोई घटना घट जाती तो उसका जिम्मेदार कौन रहता, क्या आरक्षक रहते कि वहाँ के TI कि पुलिस हमारे यहाँ के कप्तान जी। विजय जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पुलिस विभाग में सभी समाज समुदाय के लोग कार्यरत रहते हैं और नौकरी करते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी के सामाजिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाना पड़ा या अपील के लिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? सभी समाज के लोग हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि और भी बहुत से लोग थे, सिर्फ आदिवासी समाज ही इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहा है या इसमें आगे बढ़ के क्यों आ रहा है, इसके बारे में हमारे को। मैंने इसमें आपको पूर्व में भी बताया कि धनराज वरकड़े उस पर साफ उसने ये जब मयूर दुबे के द्वारा ये कहा गया कि तुम मेरे को ब्राह्मण होने की सजा दे रहे हो, तो धनराज वरकड़े ने के भी द्वारा किया गया बोला गया कि हमें कि आदिवासी होने की सजा दे रहे हो, इससे ये साफ सिद्ध होता है कहीं ना कहीं कि आदिवासी समाज के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा, वहाँ और भी जो लोग थे उनके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हमारे व्यक्ति के साथ कार्रवाई क्यों हुई। हम ही पुलिस अधीक्षक महोदय जी से ये चाहते हैं कि इसमें न्यायसंगत कार्रवाई करें आप, और धनराज वरकड़े जो कि एक आदिवासी पुलिसकर्मी है उसके साथ न्याय आप करें, हम यही निवेदन करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम। क्या इसमें कोई, जैसा कि आपने देखा एक कांस्टेबल के लिए यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दल पुलिस अधीक्षक और जिलाध्यक्ष के पास भी जाएगा अपनी बात रखने के लिए। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक जिन्होंने लाइन अटैच कर दिया है क्या उनकी बहाली कर पाएंगे, या जिस शख्स के खिलाफ ये दल वहाँ जाकर कार्रवाई करने की मांग करता है ये तो बताएगा। सिवनी से पंजाब केसरी के लिए मैं अब्दुल काबिस खान। अभी इस पूरे घटनाक्रम पर जब मयूर दुबे से बात की गई तो देखे उन्होंने अपने पक्ष में क्या कहा। जैसे कि उस दिन जो घटनाक्रम था वो घटनाक्रम 18 तारीख को 18 अगस्त को घटित हो गया था, एक व्यक्ति द्वारा सनातन को बलात्कार लिखकर एक पोस्ट डाली गई जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होने से मैंने इसलिए रोका क्योंकि दो समुदायों के बीच में किसी भी प्रकार का सौहार्द न बिगड़े एवं शहर की शांति व्यवस्था भंग न हो। इस चीज़ की जानकारी तत्काल प्रभाव से मैंने कोतवाली प्रभारी को स्वयं जाके दी और कोतवाली प्रभारी से मैंने ये मांग की कि उक्त व्यक्ति पर आप तत्काल कार्यवाही करें और कार्यवाही कर उससे एक वीडियो जारी करवाएं और जिसमें वो क्षमा प्रार्थी कि मैं सनातन धर्म से माफ़ी मांगता हूं ऐसा कहे। लेकिन चूंकि अगले दिन राखी पड़ गई तो उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई नहीं। फिर 20 अगस्त को जब मैं गया तो वहाँ पे मौके पे माननीय श्याम सुंदर तिवारी जी जो प्रधान आरक्षक है उनसे मैंने प्रश्न किया, दिन की बात है कि मैंने पूछा कि भैया गिरफ्तारी हुई क्या, तो उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उसे लेने के लिए नागपुर पुलिस गई है। तब हम लोग वहाँ 40 से 50 सनातन धर्म के लोग एकत्रित हुए, हमने कहा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, ये हमारा धार्मिक मान्यताओं वाला मामला है, तब तक हम यहाँ पे बैठ के हनुमान चालीसा का वादन करेंगे। तो 20 मिनट के भीतर उस आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार करके ला लिया गया। तब भी मैंने पुलिस से यही मांग की कि अगर आप उसका एक वीडियो हमें बनवा के दे देते हैं कि मैं हिंदू भावनाओं को मेरे द्वारा हाथ किया गया है तो मैं उस चीज़ के लिए पूरे समाज से माफ़ी मांगता हूँ, तो हमें प्रकरण भी नहीं बनवाना। फिर रात में लगभग 9 से 10 बजे मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि किसी प्रकार से कोई भी राजनीतिक संरक्षण हो या जो भी हो अन्य कारणों से उसे वहाँ से छोड़ा जा रहा है, मामला भी नहीं बनाया जा रहा, उसे वहाँ से छोड़ा जा रहा है। तो तब मैं गया वहाँ पे, मैंने थाने में जाके पूछा कि भाई मामला क्या बना,
और आरोपी कौन पकड़ाया है, क्योंकि अगर मामला हमने बनवाया है तो आप मुझे आरोपी को दिखवाइए। तब वहाँ अचानक से ये जो आरक्षक थे, वैसे तो पुलिस का कोई धर्म जात और समाज होती नहीं है चूँकि, लेकिन समाज से अगर इस मामले को जोड़ के देखा जा रहा है तो ये जो आरक्षक थे ये आए और इनके द्वारा मुझसे कहा गया कि कैसा बैठा है, इस चीज़ की जांच हुई भी और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी की है। उसके बाद जब मैं इनका वीडियो बना रहा था, ये मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, जो वीडियो सोशल मीडिया पे भी डाला हुआ है और लगभग 25,000 लोगों ने उस वीडियो को देखे भी, तो जब ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे तो मैं इनका एक वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाना मेरा नैतिक अधिकार है और दूसरी चीज़ मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ और मैं पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, तो मैं ये काम कर रहा था। तो इनके द्वारा मेरा मोबाइल छुड़ा के फेंक दिया गया, जिस मामले की शिकायत मैंने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को अगले दिन जाकर मेरे युवा मोर्चा परिवार के साथ जाकर दी, तो एसपी साहब ने उस मामले को संज्ञान में लिया। अगर ये गलत पाए गए तो इन्हें लाइन अटैच किया गया। यही मामला था उस दिन। बता दें कि इस मामले में पुलिस आरक्षक और भाजपा नेता की अपनी अपनी दलीलें हैं। आरक्षक बरकड़े जहां भाजपा नेता पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता मयूर दुबे कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। पंजाब केसरी के लिए सिवनी से अब्दुल काबिज खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।